देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,929 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 1,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज यहां से सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1,20,000 के पार एक्टिव केसेस फिलहाल हैं। 24 घंटे में 287 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। देश भर में 2,46,628 लोग संक्रमित। अब तक 6,929 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,971 नए मामले सामने आए, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है, और 287 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। लगातार देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 6,929 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 1,19,293 मरीज ठीक हुए हैं। 1,20,406 एक्टिव केसेस फिलहाल हैं। दो सौ सत्तासी लोग पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी देखी जा रही है, और 24 घंटे में 287 लोगों की मौत, बहुत बड़ा आंकड़ा मौतों का यहाँ पर पार करता धीरे धीरे जा रहा है। क्या नई अपडेट? देखिए मनीषा, हर दिन कोरोना भारत में नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारत ने स्पेन को भी अब पीछे छोड़ दिया है पॉजिटिव केसेस के मामले में, तो कहीं ना कहीं भारत में लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। इधर अनलॉक वन का जो अभी अनलॉक वन चल रहा है, जो अनलॉक का पहला चरण है, इसमें तमाम जो धार्मिक स्थल है कल से खुलने वाले हैं। रेस्टोरेंट काफी हद तक खुल जाएंगे और भी ऐसी बहुत सी मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिनको पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। ऐसे में संक्रमण जो है वो और तेजी से फैलने के उसके चांसेस हैं, इसलिए लगातार सरकार की तरफ से अपडेट दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी करीबन पर डे के हिसाब से मैक्सिमम जो चार्ज लिया जाए वो 4,000 से कम हो या 4,000 हो। जी प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, देश भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तमाम एहतियात यहां पर बढ़ती जा रही है और लगातार जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज नए रिकॉर्ड यहां पर कोरोना के टूट रहे हैं।